उस किताब को तो सरेआम जला दिया जाए, लेकिन अल्लाह ताला आपने भेजा इसलिए कि मेरे हबीब आप को लिखे दो। सुभान अल्लाह। और आज सारे कबूल करने के बावजूद, सारे खुदा करने के बावजूद, किसी के माथे पर उसका खुदा नहीं कह जाता कि किसी की नेकियों की वजह नहीं है, किसी की बादशाही की वजह नहीं है, सिर्फ इमाम उल अंबिया के नाम की वजह से। और इमाम अली रज़ा ये रेशा पड़ा है और दो जमाते तो इमाम अली रज़ा ने अपने चेहरे पर ऐसे करके कपड़ा डाला, ऐसे छुपाया रखा था, लोगों ने कहा हुजूर ज्यादा तो कराए। इमाम अली रज़ा ने जब चेहरे से कपड़ा हटाया ना, लोग दस हाथ सदियों बाद दूर की रस्ते बाद में तो हजारों लाखों लोग जमा थे, लोगों ने कहा हुजूर हमें कोई हदीस सुनाए, सुने मेरे हदीस। इमाम अली रज़ा ने हदीस पाक सुनाई, मैं तआला हदसन नबी मुसा नाज़िल अन नबी अन अबी हुसैन अन अबी अली बिन अबी तालिब। यहां तक हजरत इमाम अली रज़ा ने अपने शहर का सब बयान किया, फरमाया हमने ये हदीस बयान की हजरत इमाम मोहम्मद बाकर ने, उनको बयान की उनके वालिद हजरत इमाम जाफर सादिक ने, ये हदीस उनको बयान की इमाम मोहम्मद बाकर ने, उनको बयान की इमाम जैद अलाउद्दीन ने, उनको बयान की हजरत इमाम हुसैन ने, और उनको बयान की हजरत मौलाए कायनात ने। आपने सारे हजरत की बयान की, वरना आगे मौलाए कायनात क्या कहते हैं, फरमाया ताला हदसनी अभी भी वह कुदरत वाली है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये है बात जो सारी कायनात को समझाने की कोशिश करते हैं कि सुनो भाई, ताला हदसनी अभी मुसल काजिल, यानी कि इमाम मुसल काजिल कोई छोटी खानों के मालिक नहीं है, और इमाम मोहम्मद बाकर कोई छोटी शादी के मालिक नहीं है, इमाम जाफर सादिक कोई छोटी शादी के मालिक नहीं है, इमाम आगे मकाम इमाम हुसैन कोई छोटी शादी के मालिक नहीं है। जो हदीस बयान कर रहे हैं सिर्फ इतना ही कर रहे हैं, नबी जाफर सादिक अन नबी मोहम्मद बिन बाकर अन नबी जैन अलाउद्दीन अन नबी हुसैन, लेकिन जब हुजूर की बारी आई तो कहा था ताला हदसनी अभी भी वकुरत वाली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए इस बयान की मुझे मेरे आका मौला मैंने निशान लगा लिया कि एक दिन मैंने अभी चलाया है, कहते हैं तीन
एक आपकी चमक के
और कोई गाली ना हो और हम किस तरह के मजाक पर ना होते रहेंगे। यार मजाक